FIR गलत दिखाई गई है, इन लोगों के घरों से कुछ भी नहीं बरामद किया, फर्जी बरामद की दिखाई गई है। तबीयत खराब है दोनों बच्चों की मेरी सर, रोज ये पूछते हैं अब्बू मेरे कब आएंगे सर, बताओ उनको क्या बताएंगे, बताइए सर, छोटे छोटे बच्चे रोज ये बात बोले जा रहे हैं, मेरे अब्बू कहाँ कब हम क्या बताएंगे सर, ये बताइए हमको। मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मैं किराए के रूम में रहती हूँ, मेरा सहारा सिर्फ मेरा आदमी है, उसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे ससुराल वाले भी बहुत परेशानी में सब है। मेरा बेटा मिन्हाज अहमद, और मैं उसके बारे में ये बता रहा हूँ कि कोई बाप अपने बेटे की अगर तारीफ़ करता है तो आप कहेंगे कि ये बाप है एक जज्बात में आकर के, लेकिन मैं चैलेंज आपको करता हूँ, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ उद्यान पल्ली में, आप पूरे डायमीटर में ये पता कर लीजिए मेरा बेटा कैसा है। आज 28 साल हो गए हमें उस जगह रहते रहते, उसने अपने बचपन से ये उम्र पाई, और कोई ऐसा नहीं मिलेगा किसी भी कास्ट का, किसी भी क्रीड का, किसी भी कलर का, किसी भी रिलीजन का, कि जो मेरे बच्चे को बुरा कह सके या किसी तरह की सस्पेक्टेड एक्टिविटीज़ में वो कर सके। ये टोटली एकदम ब्लेम्ड और मतलब ये है कि रिफ्यूटेबल है, हम नहीं मान सकते इस चीज़ को, हमें इतनी तकलीफ हुई है इस चीज़ से। और दूसरी ये चीज़ है कि अभी रिसेंटली मेरे बच्चे का मार्च में है, 16 मार्च से गालिबन 24-25 मार्च में वहीं सफ़ेद मस्जिद के पास एक हॉस्पिटल है, वहाँ हार्निया का ऑपरेशन हुआ, 1 हफ्ते 8 रोज वो हॉस्पिटलाइज रहा, उससे पहले वो सालों हार्निया को पाले रहा। कैसे मुमकिन है कि वो इस तरह की एलएफआईड एक्टिविटीज़ में जिसमें आप उसे लगा रहे हैं दिखा रहे हैं वो कैसे मुमकिन है, हम तो नहीं समझ सकते कि वो किसी तरह से मुमकिन नहीं है। आपको जब डीजीपी हेडक्वार्टर, जब पुलिस हेडक्वार्टर बुलाया गया तो वहाँ पर किस तरीके? हमें ATS हेडक्वार्टर बुलाया गया, हमसे कहा गया कि आप चलिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा भीड़ है और मीडिया पर्सन जो हैं ये अभी आपसे वो कर देंगे, इंट्रोगेशन करेंगे आप, और हम लोग बहुत डिस्प्रेस हो चुके, बहुत डिप्रेस हो चुके थे मेंटली, जो होता है इतना ज़्यादा वो था कि इसी में आफिस समझी कि चलो, वरना ऐसा ना हो कि हमला कर देंगे हमारे ऊपर, या पब्लिक भी थी तो उससे उन्होंने कहा कि चलिए हम और वहीं पर कागज़ देंगे। अब वहाँ ले गए और वहाँ हमें 2 घंटे बैठाया, 2 घंटे क्या हो रहा है भाई, मीटिंग हो रही है यही बताते रहे। उसके बाद हमें कहा गया कि आप उनसे मिलिए, एक साथ ले गए वहाँ, हमने जब मिले मिसेज हमारी बेचारी बाहर थी, तो हमसे ये कहा गया कि आप इस प्रोफार्मे पर दस्तखत कर दीजिए ताकि हम आपको और आप दोनों को, मतलब मिसेज को इंक्लूडिंग माई मिसेज, हम आपको घर भिजवा सकें। भैया मैं बंद कमरे में अकेले, अब ये चीज़ एक समझ में आई कि अगर हम इन्हें ये शर्त जोड़ दी गई है कि इस पर दस्तखत कर दे तो हम आपको घर भेजें, तो दस्तखत कर दी। और वहाँ पर हमें ये बताया 8 बजे रात के बाद कि हमने मिन्हाज को गिरफ्तार किया है। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिखाया गया, बल्कि मैं जब कहता भी था कि आप क्या कर रहे हैं हमें बताइए, तो आपका काम यहाँ नहीं है, आप जाइए, और मुझे नीचे के कमरे में बैठा दिया गया, और 6-7 कमांडोस बैठा दिए गए, हम और मिसेज बैठे हुए थे, और दरवाज़ा भी फेर दिया गया कि आप दरवाज़ा ना खोलेंगे, और जब कोई चाबी उन्हें मांगना होती थी किसी अलमारी की या कुछ वो करना होता था तो वो बुला करके हमसे पूछ लेते थे, अंदर नहीं जाने देते थे कि नहीं आप यहीं बताइए। शुरुआत में आपने मीडिया से भी दूरी बना के रखी, क्या उधर से कोई दबाव था या कुछ कहा था? नहीं, देखिए एक्चुअली शुरुआत में मीडिया से सिर्फ इसलिए दूरी कि मैं बदला रहा हूँ कि मैं
दिमागी तौर पे इतना ज़्यादा माउफ हो गया था, मेरा दिमाग माउफ हो गया था, मैं क्या मैंने देखा और क्या मैं सोच रहा हूँ, क्या मैं इस पोजीशन में नहीं था कि मैं कुछ फेस कर सकता। एक चीज़ और एक सवाल और लेना चाहेंगे, सुनने में आ रहा है जो मिलहास की वाइफ थी, एक तो वो इंटरनल में प्रोफेसर थी, दूसरी बात है मिलहास से उनकी कुछ बनती भी नहीं थी, तो अकेले मतलब मिलहास की वाइफ अलग रह रही है, मिलहास अलग रह रहे, तो आपको लगा कहीं कभी अकेलेपन की वजह से भी वैसा कुछ वो अकेला, ये एक फैक्टर हो सकता है कि भाई वो अकेला अपना समय गुजार रहा है, और ये एक हो सकता है कि, लेकिन उसने नहीं वो किया हम लोगों से शेयर, लेकिन ये एक पे भी फैक्टर ये हो सकता है। आपके और मिन्हाज के बीच कितनी करीबियाँ थी, या फिर आप कितना मिन्हाज ने कभी ये कोई करीबी क्या, एक बाप और एक बेटे का जो रिश्ता होता है वो बराबर रहा, दिन में जब मौका पाता था वो क्लोजिंग डे में, या ये है कि जैसे लॉकडाउन वाले दिनों में वो मेरे पास सोता था, मैं उसे निपटा करके लेटता था, हानिया की तकलीफ थी तो मैंने उसकी खिदमत भी की एक बाप की तरीके से, जब मुझे तकलीफ होती तो वो एक फर्जंद की तरीके से मेरी खिदमत करता है, अपनी माँ की ऐसी सेवा करता है कि बेचारा कंघे करता है, कपड़े धोता था मशीन में प्रेस करके पहनाता था, देता था पहनने के लिए, दवा लाता था, डॉक्टर को दिखाता था, हर तरह की खिदमत करता था, अरे पूरे तौर पे हम बूढ़े बूढ़ी के लिए वो एक मजबूत लाठी है। अभी आपका क्या स्टैंड है, और क्या अभी तक मिन्हाज से कोई मुलाकात हुई? हमारी कोई मुलाकात मिन्हाज से नहीं कहाँ हुई उसके बाद से। दूसरी चीज़ है कि हमारा स्टैंड क्या है, जो हमारे वकील साहब का स्टैंड है वही स्टैंड है, हमें इनके ऊपर पूरा भरोसा है, हमें कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, हमें ज़्यादा एजेंसी जाँच कर रही है, गहराई से इसकी जाँच होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि सच्चाई को सामने आना चाहिए, लेकिन ये चीज़ जो फाइंडिंग्स हैं हमारे बरामदगी दिखाई गई है हमारे घर से और ये चीज़ें दिखाई गई हैं, ये हमारी नॉलेज में ना आई, ना हमें दिखाई गई और ना हमारे सामने की गई। रिपोर्ट तैयार हो गई है, वो संदीप पांडे हूँ, मैं हूँ, राजीव यादव हूँ, या और भी जितने लोग हों, सब के सब इन लोगों के घर पर गए हैं, परिवार के लोगों से बात की है, मोहल्ले के लोगों से बात की है, और जो बात खुलकर के सामने आई है उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार की है, और उसके अलावा FIR जो देखा है हमने, ये देखा कि मोहल्ले वाले कह रहे हैं कि मिन्हाज 9:30 बजे गिरफ्तार किया गया, और FIR कह रही है कि 2:40 पर गिरफ्तार किया गया, तो यही गलत हो जाती है ATS। पब्लिक के गवाह कह रहे हैं कि 9:30 बजे गिरफ्तारी होती है, ATS कह रही है 2:40 पर गिरफ्तारी हो रही है, तो ATS गलत हुई या नहीं हुई? इसी तरह से मुशीरुद्दीन के घर के लोग और उसके घर के पड़ोस के लोग ये कह रहे हैं कि 11:00 बजे के करीब गिरफ्तारी हुई है, और यहाँ बताया जा रहा है कि 4:10 पर गिरफ्तारी हुई, तो कौन सी बात सही जाए कही जाए, मोहल्ले के लोगों के पब्लिक के लोगों की बात सही होगी या ATS जो कहेगी वो सही होगी? क्या कदम उठाने जा रहे हैं? कदम तो ये है हम इनकी कानूनी कार्रवाई करेंगे, जो भी इनकी मदद कानूनी तौर से हो सकती है हम करेंगे। मुसलमानों की बड़ी संस्था है जमीयत, उन्होंने भी कहा है कि इनका हम केस लड़ेंगे, तो जमीयत ने जो कहा है उसने मेरे बयान के ही आधार पर कहा है ना, मैंने फोन किया था, फोन करके कहा था कि आप लोग ये मुकदमा लड़ दीजिए, मुझसे इन लोगों ने कहा कि आप खत परिवार वालों से लिखवा दीजिए तो मैं लिख कर देता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि जब मैं कह रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि जितने लोग ये मुकदमे देख रहे हैं सबसे सीनियर मैं ही हूँ, अगर मेरी बात पर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं खत नहीं लिखवाने वाला हूँ। शोएब साहब, सैफुल्ला का जो मामला हुआ था वो भी आप देख रहे थे, इसी के साथ तमाम ऐसे जुड़ते हुए और मामला भी आपने देखे, तो क्या कहीं ना कहीं कड़ियां को जुड़ती भी आ रही है, लूपहोल्स वही सीन नजर आपको आ रहे, क्या निकल गया है? देखिए लूपहोल्स चाहे सैफुल्ला का मामला रहा हो, चाहे 2007 में जो गिरफ्तारियां रही हो उनमें का मामला रहा हो, चाहे आज इन लोगों की गिरफ्तारी का मामला हो, लूपहोल्स सब में रहे हैं और आज भी हैं, आज के लूपहोल्स को भी बता दिया, पहले के लूपहोल्स को भी बता दिया है,
ये नहीं लोग फोर्स की वजह से ये लोग छूटते हैं, हालांकि इनकी जिंदगी जेल में बर्बाद हो जाती है। अब बरामदगी जो दिखाई गई है उस पर क्या कहेंगे? FIR गलत दिखाई गई है, इन लोगों के घरों से कुछ भी नहीं बरामद किया, फर्जी बरामदगी दिखाई गई है। घर से इनके फादर से दस्तखत लेना चाहिए था फर्ज बरामदगी पर, लेकिन घर पर नहीं कोई लिया गया। मोहल्ले के लोगों को साथ में रखना चाहिए था, मोहल्ले से कोई भी आदमी नहीं गवाही देने को रहा है इनके पास। हर जगह यही हुआ है, सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मिनहाज के घर पर हुआ है, हर किसी के घर पर यही हुआ है। ना तो मोहल्ले के किसी आदमी का दस्तखत है किसी फर्द बरामदगी पर, अगर दस्तखत है किसी का तो जबरदस्ती दिया हुआ सादे कागज पर दस्तखत है जो बाद में लिखा हुआ। परिवार वाले भी इनके आए हैं तो क्या इन लोगों का क्या कहना है और आप कैसे इनकी क्या मदद करें? ये परिवार वालों के ही बताने के आधार पर मैं बता रहा हूँ, इनको तो लेकर के गए थे 6 बजे ना ATS हेडक्वार्टर पर ले गए थे और इनसे सादे कागज पर कोई प्रोफार्मा था उस पर दस्तखत बताया कराया था, ये खुद बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूँ, इन्हीं लोगों की बताई हुई बात मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताने वाला। सर 13 तारीख को उनको उठाया गया था और 14 तारीख को उन लोग बता रहे कि हमने 14 तारीख को उठवाया था। सर साफ साफ झूठ बोल रही थी, समझ लिए। 13 तारीख को वही 2 बजे करीब वही लोग घर पे हमारे पहुंच गए थे और 14 तारीख का ये लोग दिखा रहे कि हमने 14 तारीख को इन लोगों को अरेस्ट करा है। सर साफ झूठ तो ऐसे ही हो रहा है इसमें। और सर जब हमारे मोहल्ले वाले 13 तारीख को ये लोग आए थे तो हमारे मोहल्ले वाले सब लोग आने लगे तो सबको पुलिस वाले जितने थे समझो सब इतनी गंदी गंदी गाली देने लगे, कह रहे कोई दरवाजे पे खड़ा नहीं होगा क्योंकि सब जानते हैं मोहित बहुत सीधा आदमी है, तो सब लोग सपोर्ट करने तो आए, इसी चक्कर में सब लोग उनको गाली दी तो सब लोग इसी चक्कर में चले गए सर। और कौन सा इलाका? सर ये न्यू हैदरगंज लगता है सर, देख लेंगे, एरिया पर कोई इच्छा नहीं है, वैसी एरिया हम लोग रहते भी हैं सर, वो तो आप जब कभी जाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। और भी सर मेरा खुद का घर नहीं, हम खुद किसी और के घर में रहे, आप ये समझ लिए। जो किस तरह की मदद की बात कर रहे हैं जी सर, किस तरह की मदद की बात कर रहे हैं जो आपके साथ आए? कौन सा सर? हम लोग अच्छा सर बस हम ये चाहते हैं कि हम मतलब हमारे शोर बह गुनाह इनको बहुत जल्दी से जल्द इनको भैया रिहा करा जाए, इसलिए क्योंकि समझ लो बेबुनियाद इन पे इल्जाम लगाया जा रहा है सर, समझ लिए। मोहित साहब का बैकग्राउंड क्या था, क्या वो सर वो बहुत सीधे इंसान थे, समझ लिए इस चीज़ को। और इस सर ये जो ब्रोकरी का काम होता है समझ लिए, जमीन खरीदवाना बिछवाना इन्हीं में जो कमीशन मिलता था सर उसी समझो घर खर्चा हमारा चलता था। आपकी शादी कितने वक्त पहले हुई? सर हमारी शादी हो गई 7-8 साल हो गए, तो हम लोग किराए पहले रहते थे, तो फिर जेठ का जैसे घर बना तो जेठ कहने लगे ना हो तो हमारे घर पर आके रह लो, तो सर हमने जेठी के साथ वही मतलब रूम बन रखे तो हम अपने बगल में उन्हीं के साथ रह रहे थे। पर सर जब शोहर ही नहीं, शोहर है वही सब खर्चा चले, जब वही नहीं रहेंगे तो सर हमारा खर्चा हमारा साथी कौन बनेगा ये बताइए, बच्चे सर छोटे छोटे बताइए, तबीयत खराब है दोनों बच्चों की मेरी सर, रोज ये पूछते हैं अबू मेरे कब आएंगे सर, बताओ उनको हम क्या बताएंगे बताइए सर, छोटे छोटे बच्चे रोज यही बात बोले जा रहे हैं, मेरे अबू कहाँ हैं कब, हम क्या बताएंगे सर ये बताइए हमको। तो कैसे आपका क्या चलेगा और क्या उम्मीद कर रही है, क्या मांग सर? हम बस यही चाहते हैं कि मेरे शोर को जल्द से जल्द रिहा करा जाए क्योंकि सर मेरा कोई भी मेरा करने वाला नहीं, समझ ली सर, जो खाना पीना समझ लो पड़ोसी मोहल्ले वाले मैं सर कर रही, समझ ली इस चीज को, बस यही है बस बहुत जल्दी इनको रिहा। अभी जब से हम इनसे मुलाकात किया कुछ पता ही नहीं हम लोग क्या हो रहा है क्या नहीं, मुलाकात नहीं हुई सर बिल्कुल भी। आप ही लोग बस मदद करिए किसी भी तरह करके क्योंकि बेगुनाहों को फंसाया जा रहा है शादी से इनमें बहुत बड़ी, समझ ली सर, आप चाहे पड़ोसी मोहल्ले वाले पूछ ले जिनके साथ काम करते हैं उनसे सर पूछ सकते हैं आप। परिवार से ताल्लुक रखती हैं? जी मैं शकील की वाइफ हूं। अच्छा, क्या कहेंगे उस दिन के बारे में और उस दिन के बाद से अब तक के हालात के बारे में? जी 14 तारीख को असल बात अनरॉन्ग नंबर से कॉल आया कि शकील पक्के पुल से उठा लिए गए हैं उनका रिक्शा और वो उनके बारे में अनरॉन्ग नंबर से कॉल आया, तो मैं उस समय बहुत सर परेशान हो गई, मैं 7 महीने की प्रेग्नेंट हूँ और मैं किराए के रूम पे रहती हूँ, मेरा सहारा सिर्फ मेरा आदमी है, उसके अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरे ससुराल वाले भी बहुत परेशान है इस समय, मेरे पैके वाले किराए पे रहते हैं, अब ये सोचें 7 महीने की प्रेग्नेंट है मेरा खर्चा पानी कौन उठाएगा, मेरे शकील को इतना बच्चे का इंतजार था 2 महीने बाद मेरे बच्चा आने वाला है, अब ये सोचिए उनकी आमदनी 250 या 300 उसमें हम 1800 रुपए किराया निकाल देते थे सर, सर हम दवा इलाज खाना पीना सब छोड़ दिया, किस तरीके से मेरे हालात कट रहे हम भी जानते हैं, हम इतना जानते हैं मेरे शकील बेकसूर उनको फंसाया जा रहा है, आप लोग से यही विनती उनसे जल्द से जल्द रिहा कर आइए, मेरे इस बच्चे का मिस का कौन सहारा बनेगा सर, आप कुछ सोचिए, मेरे मैके वाले भी किराए पे रहते हैं, ससुराल वाले भी मेरे बहुत ज्यादा परेशान है, मेरी सास भी हार्ट की पेशेंट है,
हम किससे आगे रोएंगे, किसके आगे मांगेंगे? सर आप लोग से यही विनती है, मेरे शकील को फिर आप जल्द से जल्द उनको सजा करवाइए।